चंदौली में देश को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तथाकथित गाइड ने गांव की शादी दिखाने की आड़ में कैनेडाई मूल की पर्यटक से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कैनेडाई महिला वाराणसी घूमने आई, जहां एक गाइड ने अपने जाल में फंसा लिया और चंदौली के एक गाँव में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने वाराणसी में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुगलसराय कोतवाली को सौंप दिया। कनाडा की एक महिला जो बनारस में पिछले महीने से रुकी हुई है, वो 29 तारीख को एक कथित गाइड से संपर्क में आई, जिसका नाम अजय सोनी है, और उस महिला ने अजय सोनी के साथ काफ़ी क्षेत्रों में बनारस में भ्रमण आदि किया, गांव देखने की इच्छा व्यक्त की और गांव की शादी देखने की इच्छा व्यक्त की, तो अजय सोनी उसे लेकर के अपने गांव आया। अजय सोनी का गांव जनपद चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र में मढ़िया गांव है, जहां दिन में करीब 11:30 बजे के आसपास वो पहुंची और 2 घंटे तक वो उसे अपने कमरे में अपने घर पर ले कर रहा, जहाँ महिला की इच्छा के विपरीत उसके साथ संबंध बनाए।